बिहार में इस वक्त चाचा भतीजे की लड़ाई को लेकर काफी चर्चा हो रही है। एक तरफ चिराग पासवान हैं तो दूसरी तरफ पशुपति पारस, और इन दोनों की लड़ाई का जड़ है हाजीपुर लोकसभा सीट। लेकिन एनडीए ने इन दोनों के बीच में एक नया खेल कर दिया। पहले ये कयासबाजी हो रही थी कि पशुपति पारस को भी सीट दिया जाएगा, लेकिन एनडीए की तरफ से पशुपति पारस का पत्ता कट गया और चुनावी मैदान में उतरे तो फिर चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास वाला का दूसरा गुट है, उन्हें 5 लोकसभा की सीटें दी गई है, जिसमें हाजीपुर लोकसभा सीट भी है। और इसके अलावा जहां से भी वर्तमान में सांसद हैं चिराग पासवान, जमुई सीट भी उनके खाते में आया है, और फिर खगड़िया और इसके अलावा समस्तीपुर, ये भी सीट है चिराग पासवान के खाते में। लेकिन अब जो खबर सामने आई है कि चिराग पासवान ने खुलकर अपनी सीट को लेकर ऐलान कर दिया है कि फिलहाल वह हाजीपुर लोकसभा सीट से खुद ही मैदान में उतरेंगे। इससे पहले चर्चा हो रही थी कि चिराग पासवान हो सकता है कि जमुई सीट पर खुद लड़ें और वो अपनी मां को हाजीपुर सीट से लड़ाएं, लेकिन इन सब बातों से पर्दा चिराग पासवान ने खुद ही उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि वो खुद हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे और खुद लड़ेंगे। ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। बहुत जल्द, क्योंकि पहले फेज के अब नामांकन भी शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में और पहले फेज में जमुई लोकसभा का भी चुनाव है, तो उसको लेकर भी जल्द ही मुझे लगता है 4-5 दिन के भीतर ही सूची सामने आ जाएगी। हाजीपुर से आपको चुनौती देने के लिए तैयारी हो रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है? कोई दिक्कत नहीं है, देखिए चुनौतियों से ना मैं कभी डरा हूँ ना घबराया हूँ, मैंने हमेशा हर चुनौती का डटकर सामना किया है, इसीलिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। नहीं करता तो परिस्थितियों ने तो मुझे समाप्त करने का प्रयास किया ही था। बहरहाल हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूँ। फिलहाल जो 5 लोकसभा की सीटें हैं उनके खाते में, उस पर भी उम्मीदवार जो एक पर अगर हाजीपुर से वो खुद लड़ते हैं तो 4 सीट पर कौन से उम्मीदवार उतरेंगे, इसको लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है और ये काम चिराग पासवान के हाथों में ही है कि उन 4 सीटों पर किसको उम्मीदवार बनाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ देखें तो पशुपति पारस जो एनडीए कैबिनेट में थे उनसे इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है, और अब ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के खिलाफ पशुपति पारस या तो किसी और पार्टी के साथ मिल जाएं, गठबंधन कर लें, या फिर वो निर्दलीय या फिर किसी पार्टी से ना मिलकर हाजीपुर लोकसभा सीट से अकेले चुनावी मैदान में हो और फिर चाचा भतीजे की टक्कर हाजीपुर लोकसभा सीट पर देखने को मिले। लेकिन हाजीपुर लोकसभा सीट पर जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसको लेकर ये सामने आया है, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं शंकर झा, उन्होंने ये जानकारी दी है कि फिलहाल ये तो तय है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से अभी चिराग पासवान ही मैदान में होंगी, बाकी 4 सीटों का जल्द ही खुलासा हो सकता है। लेकिन हाजीपुर लोकसभा सीटों को समझिए, क्योंकि यहाँ पर रामविलास पासवान खुद ही चुनावी मैदान में रहे हैं और ये उनका गढ़ माना जाता है। लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा सुर्खियां हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर होती रही है और यहां से कांग्रेस का कभी दबदबा था। 1977 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान ने सेंध लगाई थी जब कांग्रेस का गढ़ था, तो इसके बाद तो रामविलास पासवान और उनके परिवार का यहां पर झंडा लहराता रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर स्थिति कुछ बदल गई थी, क्योंकि रामविलास पासवान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने अपने भाई पशुपति पारस को यहां से मैदान में उतारा, और उसके बाद अभी वर्तमान में 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद। लेकिन अब समीकरण वो भी बदलता दिख रहा है, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच में मतभेद हैं। हालांकि पिछला लोकसभा चुनाव को देखें तो पशुपति पारस जीते थे, लेकिन अब चिराग पासवान यहां से लड़ने वाले हैं, तो देखना यह भी होगा कि क्या चिराग पासवान के सामने पशुपति पारस टिक पाते हैं या फिर दोनों के बीच में फिर से एक नई कहानी निकलकर सामने आती है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चिराग पासवान जिस मैदान से उतरे हैं हाजीपुर लोकसभा सीट, वो सीट उनके पिता
अने जितनी वर्चस्व से वहां पर दावा ठोका और वहां पर वो जीत लगातार जीत का हैट्रिक दर्ज कराते रहे हैं, उसको बचाना चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर वो पशुपति पारस से ये सीट नहीं बचा पाते हैं तो उनका भी बहुत ज्यादा किरकिरी होगा। तनातनी के बीच में हाजीपुर लोकसभा सीट को समझिए कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर एक धड़ा अगर देखें तो पशुपति पारस के तरफ है, दूसरा धड़ा चिराग पासवान के तरफ है। 1977 में ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई थी और तब से ये आरक्षित है। उसके बाद यहाँ पर एक बार कांग्रेस के विरोध की वजह से यहाँ जीत भी हुई थी। रामविलास पासवान पहली बार इस सीट से 4,24,545 वोट से जीते थे। उसके बाद भारतीय लोकदल से सांसद चुने गए और उन्हें 89.30% वोट हासिल हुए थे। इसके बाद लगातार हजारों के अंतर से रामविलास पासवान इस सीट से जीत दर्ज करते आए हैं। लेकिन 28 अक्टूबर 2000 को रामविलास पासवान ने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी बनाई और उसके बाद LJP से ही वो चुनाव लड़ते रहे। 2019 में पशुपति पारस वहां से चुनाव लड़े और जीते भी। रामविलास की तबीयत खराब होने की वजह बताया गया था और अब चिराग पासवान यहां पर चुनावी मैदान में है। लगातार बहुत बड़े अंतर से जीतने वाले रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और एक तरफ उनके भाई हैं रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस। ऐसे में देखना होगा कि चाचा भतीजे की लड़ाई हाजीपुर में कितनी दमदार होती है और क्या रामविलास पासवान के वर्चस्व और जो वो जीत का हैट्रिक लगाते रहे हैं उस पर चिराग पासवान इस सीट को बचा पाते हैं या फिर चाचा पशुपति पारस इस सीट को ले जाते हैं। लेकिन फिलहाल इस सीट से ये तय हो गया है कि चिराग पासवान ही हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 5।